नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुभा कपिल और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल क्रेजी कुकिंग विद अनुभा में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं ब्रेड पिज़्ज़ा की रेसिपी। बड़ों और बच्चों सभी को पसंद आती है ये। तो यदि आपके पास माइक्रोवेव अवन या तो फिर पिज़्ज़ा बेस नहीं है तो डोंट वरी, आप इसको बड़े आराम से घर में गैस स्टोव पर बना सकते हैं और ये आप सभी को बहुत पसंद आएगी और इसको बनाने में मुश्किल से 2-3 मिनट का टाइम लगेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाते हैं इस रेसिपी को। आप देखिए इसके इंग्रेडिएंट्स इस तरह से मैंने लिए हैं। तो इसके लिए मैं ले रही हूँ ये ब्रेड। ब्रेड आप अपनी चॉइस और अपनी नीड के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ले सकते हैं। फिलहाल मैं 2 ब्रेड पर बनाऊँगी और साथ में मेरे पास है ये 3 कलर की शिमला मिर्च, हरी, येलो और रेड, तीनों कलर की। इसके यदि आपको तीनों ना मिले जो अवेलेबल हो वो ले सकते हैं। इसके बजाय आप टमाटर भी डाल सकते हैं, पत्ता गोभी भी डाल सकते हैं, अपनी पसंद की सब्जी या गाजर वगैरह भी डाल सकते हैं, जो आपको पसंद हो, जो अवेलेबल हो, ठीक है। और ये है हमारे कुछ स्पाइसेस। इसमें मैंने लिया है ये नमक, आप सेंधा नमक या काला नमक ले सकते हैं। ये थोड़े से हैं चिली फ्लेक्स, थोड़े से हैं कुटी हुई काली मिर्च, थोड़े से ये ऑरिगेनो के स्पाइसेस, और ये है पिज़्ज़ा स्पाइस। थोड़ा सा लगेगा हमारा बटर और थोड़ा सा ये हमारा पिज़्ज़ा सॉस। इसकी जगह आप नॉर्मली जो हमारे टमाटर केचप है वो भी ले सकते हैं। थोड़े से लिए हैं मैंने पनीर के पीसेस और यह है मोज़रेला चीज़। ये तो मस्ट है, ये तो कंपलसरी ही है पिज़्ज़ा में। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाते हैं इस रेसिपी को। अब फ्रेंड्स, सबसे पहले क्या करेंगे हम, ये जो तीनों हैं हमारी बेल्स, इनको हम मिला लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं शिमला मिर्चों को, तीनों को। तो देखिए फ्रेंड्स, जितनी आपको ज़रूरत है उतनी आप शिमला मिर्ची मिला लीजिए। शिमला मिर्ची ये मैंने मिला ली और अब इसमें मैं ये स्पाइसेस डालूंगी, नमक वगैरह जो सब स्पाइसेस हैं सबको इसमें डालकर कर ले रही हूँ मैं मिक्स। सभी स्पाइसेस मैंने इसमें मिक्स कर ली हैं। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा ऑयल भी मिला सकते हैं, मैं तो नहीं मिला रही हूँ। और टमाटर यदि आपके बच्चों को पसंद है आप जरूर डालिए। मेरे बच्चों को टमाटर थोड़ा कम पसंद है इसमें, मैं वो नहीं डाल रही हूँ। और ये जो ब्रेड है ना हमारी, इस ब्रेड को हम एक साइड से पीछे से एक साइड से इसको हम तवे पर सेक लेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने ब्रेड को एक साइड से सेक लिया है हल्का हल्का सा, और जिस साइड से सेक लिया है ना उस साइड को हम रखेंगे अंदर की ओर और जो बिना सिका साइड है उसको रखेंगे नीचे की ओर। तो जो सिका हुआ साइड है उस पर मैं लगा रही हूँ पिज़्ज़ा सॉस, या तो फिर यदि आपके पास टमाटो केचप है वो भी इस पर लगा सकते हैं। तो दोनों ब्रेड स्लाइसेस पे मैं ये सॉस कर रही हूँ ब्रेड। तो इट्स डन। अब इस पर हम हमारी जो सब्जियाँ रखी थी इनको फैलाएंगे थोड़ा थोड़ा सबको, दोनों ही स्लाइसेस पे। जितनी ज़्यादा आप ब्रेड ले रहे हैं सब पर उसी हिसाब से आप स्प्रेड कर लीजिए। तो लीजिए फ्रेंड्स, मैंने इस पर लगा लिया है और मैं इसको बनाने जा रही हूँ एक सॉस पैन में। इस वाले पैन में आप किसी भी तरह का पैन या ये कोई चौड़े मुँह वाली कढ़ाई ले सकते हैं। और मैं इन दोनों को पहले इसमें रख दे रही हूँ और इस पर मैं कहीं कहीं लगा रही हूँ ये पनीर के स्लाइस। और आप देख सकते हैं कितना कलरफुल, कितना अच्छा ये लग रहा है। और इसको बनाने से पहले मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा ये बटर। इस पैन में मैं नीचे पहले बटर डाल दूँगी, जब ये गर्म होगा तो खुद ही मेल्ट होकर इसके नीचे आ जाएगा ये। और अब इस रेसिपी का हीरो इंग्रेडिएंट यानी कि मोज़रेला चीज़, जो सब बच्चों को सबसे ज़्यादा पसंद आता है, उसको भी मैं इस पर अच्छे से स्प्रिंकल कर दूँगी। ये तो मस्ट है। तो लीजिए फ्रेंड्स, ये सब डल गया है इसके ऊपर, सब स्प्रिंकल हो गया। ये देखने में बड़ा प्यारा और कलरफुल लग रहा है। अब ले चलते हैं इसको गैस स्टोव पर। तो लीजिए फ्रेंड्स, मैंने इस पैन को रख दिया गैस स्टोव पर और गैस कर दी मैंने ऑन, और फ्लेम को रखेंगे हम एकदम लो, लो टू मीडियम, और इस पर लगा दी मैंने एक लिड। ओके, हम ये ट्रांसपेरेंट लिड है इसलिए मैं दिखाई भी देता रहेगा। और लो फ्लेम पर हम इसको पकने देंगे जब तक कि ये मोज़रेला चीज़ हमारा मेल्ट नहीं हो जाता। अब देखिए फ्रेंड्स, चारों तरफ के बटर पिघलने लगा है, बटर मेल्ट हो गया है और ये मोज़रेला चीज़ भी धीरे धीरे हमारी मेल्ट होनी शुरू हो जाएगी। बस एक या 2 मिनट लेंगी इस प्रोसेस के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, 2 मिनट भी नहीं हुए और ये हमारा पिज़्ज़ा बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं ये हमारा मोज़रेला चीज़ अच्छे से हो गया है मेल्ट। और अब गैस स्टोव कर दी मैंने ऑफ और इसको निकाल लेते हैं बाहर प्लेट में। तो लीजिए फ्रेंड्स, इसको हम धीरे से निकाल लेते हैं प्लेट में और एकदम से नीचे से एकदम क्रिस्पी बन चुका है ये और एकदम से बहुत ही बढ़िया बना है। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी, आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, ब्रेड पिज़्ज़ा बनकर तैयार है। कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। यदि वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको एक लाइक एंड शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलते रहेंगे इस तरह से नई नई वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।